वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ। आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे दिन भर का डाइट प्लान। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो जो भी मैं अभी खाती हूँ या जो भी मेरा डाइट प्लान रहता है वो उसी हिसाब से रहता है। फ्रेंड्स, जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर होती हैं तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट हो गया आयरन, सेकेंड हो गया कैल्शियम, थर्ड हो गया वाइटामिन डी, फोर्थ हो गया हमारा प्रोटीन, फिफ्थ हो गया ओमेगा फैटी थ्री एसिड और लास्टली फ्लूइड्स। तो ध्यान रखिए कि अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर से गो थ्रू कर रही हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अपने खाने में इंक्लूड जरूर से जरूर करना है, स्पेशली प्रोटीन। फ्रेंड्स, इन न्यूट्रिएंट्स को लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन सा खाना खाने से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इन्हें न लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में अपने किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरे आज के दिन भर का डाइट प्लान। फ्रेंड्स, अभी लगभग सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज संडे है। मैं मॉर्निंग में सुबह 8 बजे की लगभग उठी थी। मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद आफ्टर फ्रेशन अप मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो एक थायराइड की टैबलेट लेती हूँ मैं, TMCG का। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया था जब मैंने कंसीव किया था, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत एक थायराइड टैबलेट से होती है। आप देख सकते हैं ये थायरोनॉर्म है 50 mcg का, ये थायराइड को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज क्या ब्रेकफास्ट बनाया है। फ्रेंड्स, ये है मेरे आज का नाश्ता। एक ग्लास मौसमी जूस, साबूदाने की खिचड़ी, 7 से 8 बादाम, 2 अंजीर और 2 वॉलनट्स जिन्हें मैंने रात भर भिगोकर रख लिया था, और ये जूस भी मैंने फ्रेश घर पर ही बनाया है अपने आप। मैं अराउंड 11 बजे के लगभग मैं कुछ फ्रूट्स कंज्यूम करती हूँ। आज मैंने एक एप्पल लिया है, उसे अच्छे से धोकर काट लिया है और एक बनाना लिया है, इसे मैं अभी खाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अराउंड 1 बजे के लगभग लंच करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब लंच में। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मेरा लंच टाइम हो गया है। देखते हैं मैंने आज लंच में क्या प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का मेरा लंच। एक कटोरी अरहर की दाल ली है मैंने, थोड़े से राइस लिए हैं, थोड़े सा सैलेड में मैंने खीरा लिया है और ये मैंने करेले का भुजिया बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट डाइट है लंच के लिए। मुझे एक कटोरी दाल से अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। इसके साथ आप चाहें तो एक कटोरी दही भी ले सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। अभी मेरा गला ठीक नहीं है इसीलिए मैं दही नहीं ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने लंच मील के थ्रू प्रोटीन इंक्लूड किया है। उसके अलावा आप कर्ड ले सकती हैं, अगर आपको दही पसंद है तो आप दही खा सकती हैं। अभी मुझे थोड़ा सा जुकाम टाइप का रहता है इसलिए मैं दही को अवॉइड कर रही हूँ, बट प्रोटीन के लिए दही भी बहुत अच्छा माना जाता है और आप चाहे तो इसको लंच में 1 बाउल कर्ड को कंज्यूम कर सकती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मील टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, बज गए हैं शाम के 5 और अभी मेरी इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है। मोस्टली मैं इस टाइम पे फ्रूट्स और स्प्राउट्स कंज्यूम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा इवनिंग स्नैक, आप देख सकती हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल अनार और मैंने लिया है ये स्प्राउट्स चने और मूंग का, जिसे मैंने स्टीम कर लिया है, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़ा सा चाट मसाला। फ्रेंड्स, मैं इसे सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं मिलाई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें खीरा, टमाटर, गाजर और थोड़ा सा नींबू का जूस भी मिला सकती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं शाम को भी कुछ ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, तो उसमें से ये मेरे 4 डेट्स हैं, 7 से 8 काजू हैं और 8 से 10 पिस्ते हैं जिन्हें मैं शाम को लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैं इवनिंग में थोड़ा सा लाइट रखती हूँ और जनरली फ्रूट्स और स्प्राउट्स भी कंज्यूम करती हूँ। उसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने 1 ग्लास मौसमी का जूस ले लिया, उससे मुझे विटामिन सी मिल गया। 11 बजे के अराउंड मैंने एप्पल और बनाना ले लिए, उसमें से मुझे पोटेशियम और आयरन मिल गया। फिर अभी मैंने अनार ले लिए हैं जो कि
आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने स्प्राउट्स ले लिए हैं, ये तो बहुत ही हेल्दी माना जाता है प्रेगनेंसी में खाने के लिए। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स को खाने का सही तरीका क्या होता है ये मैंने अपने एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया है, उसे आप जरूर से देख लें। स्प्राउट्स को ऐसे ही खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर काफी बैक्टीरिया होते हैं, तो होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। प्लस अगर हम इसे बॉईल कर देते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो बेस्ट तरीका स्प्राउट्स को स्टीम करके खाने में ही है प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली। ये था मेरा इवनिंग स्नैक, चलिए मिलते हैं फॉर डिनर टाइम पे। तो फ्रेंड्स, मेरे डिनर का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो चपाती लिए हैं और ये मैंने अरबी की सब्जी बनाई है। और रात को मैं दो ही चपाती खाती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन भर में मील्स को मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करूँ, इसीलिए ज़्यादा हैवी नहीं खाती हूँ। और रात के टाइम पे मैं खाने में प्रोटीन नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं एक घंटे के बाद मिल्क लूंगी जिसके अंदर मैं प्रोटीन पाउडर एज अ सप्लीमेंट ऐड करूंगी, तो इसीलिए मेरी रात की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो मैं उसी के थ्रू कंप्लीट कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 9 और मुझे डिनर किए हुए लगभग एक घंटा हो चुका है और अब मेरे मिल्क का टाइम है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मिल्क कैसे लेती हूँ और मुझे मेरी डॉक्टर ने एज अ सप्लीमेंट जो प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ और मैं कितना लेती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने एक कप दूध और ये मेरा डेली का मेजरमेंट होता है, इसमें अराउंड 300 ml दूध आ जाता है, तो मैं इतना ही दूध डेली लेती हूँ। सोने से एक दो घंटे पहले कोशिश करती हूँ कि ले लूँ। और ये है मेरा प्रोटीन पाउडर जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये शुगर फ्री है, इसका नाम है प्रो पीएल लाइट और ये चॉकलेट फ्लेवर में ही आता है। ये है मेरा मेजरिंग स्पून जिससे 2 स्पून मैं डालती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है बट वनीला फ्लेवर इसमें आता नहीं है, इसीलिए आप भी अगर वनीला फ्लेवर चाहती हैं तो प्लीज़ मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया था मुझे नहीं मिला, फाइनली मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे दिन भर का रूटीन मॉर्निंग से लेकर डिनर तक। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। सी यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।